छात्र जय हिंद। साथियों, आज हम अपने इस लेक्चर में दस के दम सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ये 10 का दम सीरीज हमारी है, इसके अंतर्गत हम आज ज्योग्राफी के बहुत ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों, थोड़ा लेट हो गया है लेक्चर क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए अदरवाइज शाम को 8 बजे तक पढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन है? कौन माना जाता है, किसे माना जाता है? ये दक्षिण कोरिया को माना जाता है, दक्षिण कोरिया। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता हमारा क्या है? दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया जो है आपका राजधानी इसकी क्या? सियोल है। क्या राजधानी इसकी? सियोल है। और मुद्रा क्या है? वान। तो सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है दक्षिण कोरिया। लगभग 40% जो है इसका मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर 40% है विश्व मार्केट शेयर 40%। और मार्केट शेयर आपका चीन का 30% है, चाइना। उसके बाद जापान का 6% है, 6 से 8% है जापान। तो दक्षिण कोरिया जो है विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है। फिर है आपकी एटा जनजात कहाँ निवास करती है? एटा जनजात कहाँ निवास करती है? तो ये फिलीपींस में निवास करती है, फिलीपींस। फिलीपींस में ये जात जो है जनजात निवास करती है। ये कैसी है जनजात? ये काले या घुंघराले बालों वाले होते हैं, और इनका नामकरण इनको किसने दिया? इनका नामकरण जेम्स कुक ने दिया किया था, जेम्स कुक ने 1880 में जो है इस जात की खोज हुई थी। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इक्वाडोर, इक्वाडोर। इक्वाडोर क्यों नाम है? क्योंकि भूमध्य रेखा इसको दो भागों में लगभग विभाजित करती है। भूमध्य रेखा दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए इक्वाडोर इसका नाम है। क्यूटो इसकी राजधानी है, राजधानी क्यूटो है, क्यूटो। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर। फिर आपका पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो ये किसकी है? मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है आपकी पोर्ट लुइस। मॉरिशस पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या ईसाई धर्म के मानने वालों की है। तो पोर्ट लुइस यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है, और पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है मॉरिशस।
टैंगो कहाँ का प्रमुख नृत्य है? टैंगो ये अर्जेंटीना का प्रमुख नृत्य है, अर्जेंटीना और उरुग्वे का। अर्जेंटीना और उरुग्वे का है। ये नृत्य होता हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है और ये संस्कृति प्रतीक है, लोगों की यूनिटी का प्रतीक है, लोगों की एकता का प्रतीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे का जो है प्रमुख नृत्य है। अर्जेंटीनी इसका अर्जेंटीना टैंगो अलग शैली, इसकी चार शैलियां हैं, अर्जेंटीना और उरुग्वे भी इसकी शैली में आता है। तो ये अर्जेंटीना में इसका ओरिजिन माना जाता है। तो अर्जेंटीना में इसका प्रमुख नृत्य कहाँ का पूछा जाए टैंगो, तो है अर्जेंटीना का है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली पर्वतमाला इटली में, सिसली इटली, इटली में सिसली पर्वतमाला में स्थित है माउंट एटना। ये जो है आपका ये ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है सिसली में, माउंट एटना बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और सिसली जो पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी किनारे है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी किनारे है आपका कनाडा, सेंट लॉरेंस नदी किनारे। कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। मॉन्ट्रियल समझौता आपने सुना होगा, तो मॉन्ट्रियल काफी फेमस शहर है कनाडा का। कनाडा की बहुत चीजें आपकी, कनाडा की आप जानते हैं सबसे बड़ा शहर इसको माना जाता है, कई भी समझौते हुए मॉन्ट्रियल समझौता माना जाता है आपका, तो आपने सुना होगा। तो कॉप मीटिंग भी यहाँ होती है, COP 15 भी अभी यहाँ पे संपन्न हुआ जो पर्यावरण के उस पर कई देशों का जो समझौता है, कई देशों की जो मीटिंग होती है, तो COP 15 अभी यहीं पे ऑर्गेनाइज की गई है। फेयरवेल केप किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड, कहाँ स्थित है ये? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड दो द्वीपों में विभाजित है, एक दक्षिणी द्वीप उत्तरी द्वीप, तो दक्षिणी द्वीप का उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का उत्तरतम बिंदु है। फेयरवेल तो ये दो द्वीप में है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप में न्यूजीलैंड, तो इसका क्या है, दक्षिणी द्वीप का उत्तरतम बिंदु है फेयरवेल। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसे मकराना तट कहते हैं, मकरान तट कहते हैं। ये क्या है? शुष्क अर्ध रेगिस्तान, शुष्क अर्ध रेगिस्तान। और ये जो है आपका अरब सागर के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है सिंध और बलूचिस्तान के मध्य, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के मध्य, प्रांत के मध्य, प्रांतों के मध्य स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नीलगिरी,
नीलगिरी जो है पहला हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक तक फैला है, तीन स्टेट में, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक तक, लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर फैला है, लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका नीलगिरी। ये किसको, कब ये जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित हुआ था, 1986 में सबसे पहला भारत का जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित हुआ था। उसके बाद नंदागिरी हुआ था 1988 में उत्तराखंड में, नंदागिरी, नंदा देवी भी कह सकते हैं, नंदा देवी कब कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। नवीनतम कौन हुआ है अगर देखा जाए तो, नवीनतम जो है, नवीनतम आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ, 2011 में, 11 साल तब भी हो गए, 2011 में एमपी का, मध्य प्रदेश का। तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आया होगा। और जल्दी ही हम इसके ज्योग्राफी के एक्सप्लेन डिटेल्स क्लास लाने वाले हैं, जो टॉपिक वाइज स्टार्टिंग शुरुआत से चलेंगे आपको, और ये 10 कदम सीरीज चलती रहेगी। क्वेश्चंस का कलेक्शन आप उसका देखते रहिए, तो ये क्वेश्चंस हमारे आपको इम्पॉर्टेंट मेनली हो जाएंगे प्रिलिम एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम्स के लिए। अगर जाना है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए आपको अगर क्वेश्चन देखने हैं, रिविजन करना है, तो हमारे 10 कदम देख लीजिए। इसमें डायरेक्टली तो 1200 क्वेश्चन कलेक्शन था, इनडायरेक्टली आपको 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको देख लीजिए, जीके आपका स्टैटिक जीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चलती है डेली मॉर्निंग को, उससे जुड़े रहिए, 30% जो करंट अफेयर्स आता है किसी भी एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे जनरल हिंदी क्लासेस चल रहे हैं, जनरल साइंस क्लासेस चल रहे हैं, मैथमेटिक्स के कम्पिटिशन लेवल क्लासेस चल रहे हैं, और एकेडमिक क्लासेस भी उपलब्ध हैं। तो आप कैलिबर अड्डा पे बने रहे प्लीज, अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाइयों को सब उसको शेयर करिए, सबको शेयर करिए। शेयर तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं आप, इतना तो कर ही सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आता है, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति में बहुत ही सहायता मिलेगी, और आप अच्छा स्कोर करके आप कंपटीशन जरूर बीट करेंगे, अपनी सफलता में सफलता अवश्य पाएंगे। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और कैलिबर अड्डा के साथ बने रहिए। जय हिंद साथियों।